आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमीडिएट में डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे किया जाता है। डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना काफ़ी यूजफुल हो सकता है आपके लिए, जैसे कि डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको एग्ज़ाम हॉल के इन्वायरमेंट और एडमिट कार्ड के फॉर्मेट के बारे में आइडिया मिल जाता है। आप अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड आपको एक्चुअल एडमिट कार्ड के फॉर्मेट सेक्शन और इंस्ट्रक्शन के साथ फेमिलियर करता है। आपको पता चलाता है कि आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस क्या है और क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। इससे आप एग्ज़ाम डे पर किसी कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है। डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल इशू हो तो आप उसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। यह रीज़न आपको समझने में मदद करेगी डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना क्यों ज़रूरी हो सकता है। लेकिन हर एग्ज़ाम्स और ऑर्गेनाइजेशंस का अपना सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस होता है, इसलिए आपको अपना स्पेसिफिक एग्ज़ाम और ऑर्गेनाइजेशन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले आप कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे, उसमें आप यहाँ टाइप करेंगे secondary.biharboardonline.com, इसको आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ आपके सामने ऑफिशियल साइट खुल करके आ जाएगा, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने पर कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। पहला ही स्टेप में आपको क्लिक हियर फॉर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपका कॉलेज है तो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, या अगर आपका हाई स्कूल है तो यहाँ हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अपना नाम फिल करेंगे हाई स्कूल या कॉलेज का, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका आर्ट्स है तो आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स साइंस वोकेशनल जो भी है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट अपना यहाँ नाम फिल करेंगे, अपना यहाँ फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपका यहाँ नाम आ जाएगा, आपका फादर नेम आ जाएगा, यहाँ आपका मदर नेम आएगा, आपका यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगा और आपका कॉलेज का लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यही मेरा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड रिपोर्ट इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देखिए डाउनलोड रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपका यहाँ मदर का नेम या फादर का नेम, आपका यहाँ से जेंडर, यहाँ कोटिंग रेगुलर है तो रेगुलर आएगा, प्राइवेट से अगर किए हैं तो यहाँ प्राइवेट से आएगा, आपका यहाँ कास्ट आ जाएगा, नेशनलिटी आपका यहाँ पे आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, आपका हाई स्कूल या कॉलेज जो भी है वो आ जाएगा, आपका यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर भी आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पूरा सब्जेक्ट का डिटेल्स दिया हुआ रहता है, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना प्रैक्टिस को और भी मजबूत कर सकते हैं। चलिए इसको मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए यहाँ प्रिंट आइकन पे हम क्लिक करेंगे, और अगर आप चाहें तो इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। चलिए हम इसको PDF में ही सेव करेंगे, तो यहाँ सेव आइकन पे क्लिक करेंगे और इसको PDF में सेव करके रख लेंगे। सो इसी तरह से आप अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।